हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपार्टमेंट का पेपर कवर करेंगे जो कि 22 सितंबर 2020 को हुआ है। तो ये एक बच्चे से मैं पेपर बड़ी मुश्किल से छीन के लाया हूँ आपके लिए कि भाई देख सके हम कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछे हैं इस साल कंपार्टमेंट के अंदर, जिससे 2021 में थोड़ी अपने को हेल्प मिलेगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्या है, लेवल क्या है, मॉडरेट लेवल है, टफ लेवल है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना ये वीडियो और भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो देखिए, तो जैसा कि आपको पता है, पहले 20 जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क के होते हैं, कभी कभी एमसीक्यू, कभी कुछ, है ना। तो पहला क्वेश्चन आया है देखिए वैक्टर से। इसमें ए वैक्टर दिया हुआ है, बी वैक्टर दिया हुआ है, बोल रहे हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले अगर आप ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2i प्लस लैम्डा प्लस 1j और ये आ जाएगा 2k, है ना। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो वो आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे और बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे और इन दोनों को आमने सामने इक्वल रख के जब सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1, जो पहले का आंसर है वो है 1, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऑर्डर डिग्री पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का, बोल रहा है ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है, 3 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिफरेंशिएशन से है, तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीधा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है ना, तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप क्या करो, देखो आंसर में ना वाई माइनस वन है, देख रहे हो, वाई माइनस वन है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना सेक को उधर ले जाओ, ऊपर लिख दो एक्स प्लस वन और नीचे से ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन और ये हो जाएगा सेक ए, इस माइनस को उधर भेज दो एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस सेक ए। तो आपको ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अगर आपको आंसर मैच करवाना है, तो बस आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे, क्वेश्चन ट्रोल लगाओगे तो आपको सी ऑप्शन मिलेगा आंसर में, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है भाई। तो इसके अंदर बोल रहा है ए स्क्वायर बताओ, तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन मिलेगा 2 माइनस 2 माइनस 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है भाई। इसमें बोल रहा है डिटर्मिनेंट निकालो, तो फाइनली मतलब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 0। ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ गया, तो ये किस फॉर्मेट पर है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है भाई। देखो भाई अपने चैनल पर मैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन कॉन्टीन्यूटी इंटीग्रेशन AOD चल रहा है अभी, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमा डाल रहा हूँ। तो भाई मेरे चैनल पर भी जो है 12th क्लास का कोर्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसा वैसा तो है नहीं, ठीक है भाई। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार, अगर देखना हो तो आप ज़रूर एक बार उसको देखना, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है साथ में बैठा है, तो इस फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर एक्स प्लस वन को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इससे कट हो जाएगा, बचेगा लॉग एक्स प्लस 1 डीएक्स। तो इसका डेरिवेटिव ना ये होता है, लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई पार एक्स लॉग एक्स प्लस 1, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी लगाओगे जब आप, पहले प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा sin 100 π/2 − x और ये cos 100 π/2 − x 0 से π/2, तो ये बदल जाएगा, ये बदल गया cos में x और ये बदल गया sin में। तो इसके बाद दोनों को जब प्लस करोगे, देखो cos से cos कट जाएगा, sin से sin, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका प्रोबेबिलिटी से। इसमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, इस टाइप का क्वेश्चन बुक में प्रेजेंट है। तो ए जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली 1/3 और बी सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली 1/5, तो बोल रहा है दोनों क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व का मतलब यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी,
क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करोगे आंसर मिलेगा 7/15। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। इसमें दो लाइन दे रखा है परपेंडिकुलर। देखो भाई ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क में, 3D का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा एक्स माइनस 5/0 और वाई माइनस 2/0, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 7/3। बोल रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का फॉर्मूला होता है ई की पावर PdX। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स और ये हो जाएगा लॉग x बाय एक्स। तो p क्या है यहाँ पर, -1/x है, -1/x dx, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग x, तो आंसर मिलेगा आपको 1/x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या लिखना था, 1/x। ठीक है भाई, यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल बताओ। तो भाई दो एंगल दे रखे हैं तो कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 3 और तीसरा सी मान लेते हैं, तीनों का सम दे रखा है पाई। इसको टैन में चेंज कर लो क्योंकि कॉट का तो फॉर्मूला होता नहीं, तो कॉट इनवर्स 2 को लिख लूँ टैन इनवर्स 1/2, इसको टैन इनवर्स 1/3 प्लस सी इक्वल टू पाई। इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, टैन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3 प्लस सी। सॉल्व करके ये कट कटा के 1 आ जाएगा, 1 कब होता है पाई बाय 4 पर, तो सी हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3π/4। 13 है प्रोबेबिलिटी में, बोल रहा है 52 कार्ड में से 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बिना रिप्लेसमेंट जो है कार्ड को निकाला गया, प्रोबेबिलिटी 2 रेड कार्ड होंगे 1 ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26/52, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है 51, और उसके बाद फिर ब्लैक कार्ड, तो 26/50। तो ये गया 2 पर, ये 25 होगा, ये गया 2 पर, ये गया 13 पर, तो आंसर आ जाएगा 13/102, तो इसका आंसर होगा 13/102। ये डिटर्मिनेंट से आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। ये भी सिंपल है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आंसर आ रहा है -100। दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल दो सिंपली। इसके अंदर DY/DX निकालना है t=π/4 पर, तो इसको डेरिवेटिव डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 0। ठीक है भाई, फॉफ कैसे निकालते हैं, फॉफ होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस fx 1 प्लस fx, है ना, और fx यहाँ पर पुट कर दोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर मिलेगा x, तो इसका आंसर है x। सिमेट्रिक क्या होती है, a' = a, तो इसका ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 4x + 2 2x - 3x + 1, इसी के बराबर रख दो, इसी के बराबर रख दो यहाँ पर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी कितनी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 5, 17 के अंदर x की वैल्यू मिलेगी आपको 5। बोल रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a² a के बराबर है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टाइप ही है, ठीक है ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर से ही है। इसका क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, 8 + a³ + 12a² + 6a - 19a। तो a² a के बराबर है ना, तो इसको लिख लो 8a, और a² जो बचा उसको भी a लिख लो, ये भी a है 6a - 19a, तो ये भी a² a के बराबर हो गया, तो 12 6 18 19, ये तो कट गया, तो आंसर आएगा 8। तो इसका आंसर आना चाहिए 8। इसको बोल रहा है कि ये 3D से है, कार्टिशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर ये वाली बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, x - 5/3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो y + 2/7/2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो z - 6/-2। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन वैसे क्या होती है, इसकी वेक्टर इक्वेशन होती है आपकी, वेक्टर होती है r⃗ = a⃗ + λb⃗। ए वेक्टर कौन होगा, 5y - 2j और प्लस का 6k, ये तो ए वेक्टर हो गया, और लैम्डा के साथ बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा के साथ बी क्या होगा, 3i + 7/2j - 2k, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके अंदर बोल रहा है कि
ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, रेशियो बताओ प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी और बी ऑन ए। तो ए ऑन बी का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, और बी ऑन ए का मतलब होता है बी वेक्टर डॉट ए का यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब क्या है, बी डॉट ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से बी डॉट ए गया तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 4 8 9 3, और बी का मैग्नीट्यूड 25 और 25 50 5√2। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 3/5। इसके अंदर बोल रहा है ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ठीक है भाई, ए हो गया 1 और बी हो गया 1। सी दे रखा है, डी दे रखा है, बोल रहा है परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट 0 होगा, यानी कि ए प्लस 2b और 5a-4b, ये एक दूसरे, ये 0 होगा, दोनों का डॉट 0 होगा। बोल रहा है दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो इसको सॉल्व करोगे ए ए तो ये बचेगा 5, इसको करोगे 2 4 8 बी बी तो माइनस का 8, फिर ए को इससे करोगे माइनस का 4 ए डॉट बी, और इसको इससे करूँगा तो 10 का ए डॉट बी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3 उधर चला गया, ये हो गया 6, 6 ए डॉट बी इक्वल टू 3, तो ए डॉट बी हो गया 1/2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डॉट का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वो हो गया 1/2, तो ये तो 1/1 हो गया, थीटा 1/2 कब होता है, पाई बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तो भाई सीधा सीधा दिख ही रहा है, वेरिएबल सेपरेबल है डी वाई बाय वाई, और ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक एक्स, फाइनल आंसर होगा सेक एक्स। ठीक है भाई, तो ये थे इसके एमसीक्यू, तो सही सही लेवल आ रखा है, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट करके बताना किस तरीके के लगे आपको एमसीक्यूज इसके। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपकी बुक में ही है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है, अगर आपको देखना हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो भाई इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, अभी मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि इसका लेवल क्या है, तो प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरे के पूरे पेपर की, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लेना। ठीक है भाई, 23 भी आपका बुक का ही है, कौन सा, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, ये डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएट करके आपको लाना है। ये आपका हो गया रिलेशन फंक्शन से, और इसका इन्वर्स तो निकल ही जाएगा, बहुत ही आसान है। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो गया, प्रोबेबिलिटी से रैंडम वेरिएबल पर ये टॉपिक है। और ये भी आपका 27वां भी बुक का है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 2, इन्वर्स ट्रिगो में मिसलेनियस का क्वेश्चन 9, ये भाई आर डी शर्मा में कराऊंगा सॉल्व इसको। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी आपका बुक का है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो बुक से आ रखे हैं यार क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया बेस थ्योरम, ठीक है भाई, ये 3D हो गया, उसके बाद LPP तो आसान ही आ रखा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो भाई ये तो बुक का ही है भाई, 5.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। अरे 6 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, वो भी बुक से आ गया भैया, बहुत ही अच्छे दिन आ चुके हैं यार ये तो। तो ये भी बुक का है भाई, एग्जाम्पल नंबर 13 आपका AOD चैप्टर, और ये भी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 38। भाई वाह क्या बात है भाई, बुक से आ रखा है भाई दोनों। लो जी ये भी बुक का है, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्स मिसलेनियस का क्वेश्चन 28। तो चैनल पर अपलोड कर चुका है, देख लेना भाई, चैनल पर अपलोड करा हुआ है मैंने ये। और ये भी बुक का है भाई, AOI का भी बुक का आ गया, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देख रहे हो भाई 6 नंबर के चारों क्वेश्चन बुक से, ऐसा कभी हुआ नहीं है भाई कंपार्टमेंट में। तो कंपैरेटिवली यार फिर तो इन्होंने बहुत ही मतलब आसान बना दिया, अगर बुक का क्वेश्चन आ गया है तो। ठीक है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, MCQs और ये सब जो बुक में, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करना, बाकी इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा एक प्रॉपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन देख लेना ज़रूर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ठीक है भाई, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।